शांति। मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त धारी बाप दादा ने हमें गुलजार दादी के तन द्वारा कई प्रकार की मीठी मीठी ऐसी शिक्षाओं की गहराई समझाई है, जिन गहराइयों को हम जितना जितना समझते चले जाते हैं उतना उतना हमें ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा से अनेका अनेक अमूल्य रत्न प्राप्त हो रहे हैं, जिन अमूल्य रत्नों से हम अपनी 21 जन्मों की कमाई करते जा रहे हैं। परंतु हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के विघ्न आते हैं और उन विघ्नों को हमें मिटाना अति आवश्यक है। विघ्न क्या चीज है? विघ्न यही कहा जाता है जब हम किसी लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के लिए लक्षणों को धारण करने का जब यत्न करते हैं, जब मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, या फिर उसके लिए हम किसी का भी सहयोग लेकर शक्ति लेकर के और उस कर्म को करने की शुरुआत करते या फिर वह कर्म करते हैं, तो उस कर्म में सफलता को प्राप्त न होना या वो कर्म से हमें फल की प्राप्ति न होना, वो फल प्राप्त न होना, तो ये क्यों नहीं होता? फल क्यों नहीं मिलता? रिजल्ट क्यों नहीं मिलती? सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई ना कोई बाधा उसके बीच में आ जाती है। बाधा माना कोई ना कोई ऐसा किसी ना किसी के स्वभाव संस्कार का बंधन, या तो स्वयं के स्वभाव संस्कार का बंधन, बंधन माना आदतें, बंधन माना किसी भी प्रकार का व्यसन, चाहे वो मानसिक हो, सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, बंधन माना जकड़े हुए, बंधन माना उस जकड़न में अकड़े हुए, और बंधन माना जिससे छूटने के लिए हम अंदर ही अंदर तड़प रहे हों, हम अंदर ही अंदर तकलीफों का अनुभव करते रहते हों, हम अंदर ही अंदर दुखी हों, अशांत हों, त्रस्त हों, हम भी दुखी हों, अशांत हों, त्रस्त हों, और हम हमारे अपने स्वभाव संस्कारों के कारण अन्य आत्माओं को भी दुखी करें, अशांत करें, त्रस्त करें, या फिर उनको भी उनके श्रेष्ठ कर्म, जिन कर्मों से उन्हें लाभ प्राप्ति है या जिस कर्म से उन्हें यश की प्राप्ति होती है या उस कर्म के करने से वो कईयों को सुख शांति और आनंद प्रदान कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, तो उनके उस कर्म के अंदर, उस शुभ कर्म में हम बाधा बने अपने स्वभाव के कारण, अपने विघ्न के कारण, तो वह विघ्न उनके प्रति हमारा एक बड़ा विघ्न बन जाता है और वह विघ्न हमें भी दुखी करता और उनको भी दुखी करता, क्योंकि हमने उनके मार्ग को अटकाया, हमने उनके मार्ग को रोका, हमने उनकी शुभ प्रवृत्ति को रोका, हमने उनके सुख शांति के मार्ग को बीच में तोड़ा। तो ये सारी तोड़ने की, अटकाने की या उनको न करने देने की ये जो भी वृत्ति है, ये है स्वभाव। और ये स्वभाव जब हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसका जब प्रयोग और उपयोग करते जाते हैं, यदि प्रयोग और उपयोग में हमें दुख शांति की प्राप्ति हुई तब तो हम उसे छोड़ देते हैं, परंतु यदि हमें उससे कोई ऐसा विकृत आनंद प्राप्त हुआ या विकृत शांति प्राप्त हुई या वह विकृति ने मुझे अपनी
समझ को उल्टा करके और ये भ्रम में डाला कि यही सच्चा सुख है, यही सच्ची शांति है, और उसको हमने सच्चा सुख शांति समझने का जो अनुमान लगा लिया तो वह अनुमान हमारे लिए विघ्न बन जाता है। अब सारे दिन में हम ऐसी कितनी बातें करते हैं जो हम दूसरों के जो भी कर्म हमारे कर्मों के बीच में आते हैं उनके प्रति हम अनुमान लगाते हैं। जैसे किसी को प्यास लगी है और हम उसको पानी देना चाहते हैं, परंतु यदि हम पानी देने जाते हैं तो हमें रोका जाए कि हमें इस पानी को, इस जल को, इनको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है तो उसको प्यासा छोड़ना उसके कर्मों की सजा है। अब उसके कर्मों की सजा देने के हकदार हम नहीं हैं, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर्म किया तो उसके कर्म की सजा, मैं वह पानी मांगेगा, मैं नहीं देगा। तो ये किसी के कर्मों की सजा को हम स्वयं की जिम्मेवारी समझ ले और जिम्मेवारी समझकर हम वो कर्म करने न दें, इसको कहते हैं विघ्न डालना। या तो कोई शुभ कार्य करने निकला, कोई समझो दान पुण्य करने निकला, अब उसको दान पुण्य करना है, ये एक शुभ संकल्प आया, परंतु वह शुभ संकल्प वह समा नहीं सकते। और यदि किसी को बताते हैं और जिसको बताते हैं उसका स्वभाव दान पुण्य करने की फेवर में नहीं है, वह समझते हैं कि दान पुण्य करने से कुछ भी नहीं होता, तो उनको बताने की वो गलती कर बैठते हैं, उनको वह बताते हैं तो वह उनको दान पुण्य न करने के विषय में इतनी सारी बातें सुना देते हैं कि ये दान पुण्य करने से कोई फायदा नहीं, क्या प्रमाण है आपके पास कि आप जो दान करते हो उसका आपको पुण्य मिलता है, क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने दान किया तो आपकी ये कार्य या आपकी ये मनोकामना सफल हुई या आपका कार्य सफल हुआ। इस प्रकार से कुछ अपने अनुभव की भी बातें कि हमने दान पुण्य किया तो हमें उसकी रिजल्ट में क्या प्राप्त हुआ। तो इसीलिए दान पुण्य करने के विरोध में जो उसके पास अपने अनुभव की गलत बातें हैं, वो गलत बातें वो उनको बता करके और उनको दान पुण्य करने से रोक लेंगे। कोई ना कोई ऐसी बात बता के उसको रोकेंगे कि इसीलिए दान पुण्य करना नहीं है, इससे अच्छा है कि आप अपनी भलाई और अपने कल्याण अर्थ जो करना है वो आप करो, पर दान पुण्य मत करो, इससे तो आप ये करो, इससे तो आप वो करो। इस प्रकार से वो उनको अपनी राय देते हैं। तो इस प्रकार किसी को श्रीमत से भी वंचित करके, श्रीमत से तो क्या लेकिन कर्मों से भी भ्रमित करके और उसको कोई उल्टी दिशा दिखाते हैं या उसके उस कर्म को रोकते हैं, अटकाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि विघ्न डाला। या फिर कई ऐसे पारिवारिक प्रसंग आते हैं, कई ऐसे सामाजिक प्रसंग आते हैं, तो जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं उनको अपने घर गृहस्थ की जो भी आने वाली रस्में हैं, रवाज हैं, संबंध है, संपर्क है, व्यवहार है, उनको निभाना होता है, परंतु उस निभाने में हर एक को इंटरेस्ट नहीं होता। कोई निभाने में बहुत होशियार होते हैं, कई उसको निभा करके और अपने स्वभाव को, संस्कारों को एक छाप छोड़ने में माहिर होते हैं, उनकी छाप बहुत अच्छी पड़ती है, और कई हैं
वो इन रस्मों को रवाजों को नहीं मानते तो घर के अंदर कलह होती है, कलेश होता है, क्योंकि घर में दो व्यक्ति उस रस्म रिवाज को निभाना चाहती है और दो व्यक्ति रस्म रिवाज को निभाना नहीं चाहते, तो उस कलह और कलेश में वो यदि निभाते हैं तो जो विरोध करने वाले हैं उन्हें दुख अशांति होती है और जो न निभा सकते हैं उन्हें भी दुख और अशांति प्राप्त होती है। तो दोनों तरफ से विघ्न होता है, उनको लगता है मेरी मन की सुख शांति और मेरे सिद्धांतों में विघ्न पड़ा, और उन्हें लगता है कि हमारे सामाजिक व्यवहार और पारिवारिक व्यवहार को निभाने में इनके सिद्धांतों ने हमको विघ्न डाला। तो ये जो विघ्नों का आपस का जो सिलसिला है वो कभी भी परिवार में और समाज में शांति लाने नहीं देता। तो ऐसे समय पर क्या करना पड़े? ऐसे समय पर दो पक्ष में से एक पक्ष को सहयोग देने के लिए तैयार होना पड़े, शायद उसको झुकना भी कह सकते हैं। यदि वो झुक जाता है और उसको मान्यता दे देता है और यदि वो सहयोग दे देता है कि उनका इंटरेस्ट है, वो निभाते हैं, और वो यदि आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो फिर उसके उस रस्म रिवाज को निभा देने में कोई हर्ज नहीं, उसे सहयोग देने में कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि उनके रस्म रिवाज निभाने में उनको कोई नुकसान नहीं तो फिर उनको सहयोग देने में कोई एतराज नहीं उठना चाहिए और उनको सहज सहयोग दे देना चाहिए, ऐसा सरल स्वभाव भी अपना बनाना पड़े। तो ये स्वभाव और संस्कारों की बाजी को, खेल को भी समझना पड़े, और जब तक इस खेल को समझेंगे नहीं तब तक हम स्वभाव और संस्कारों के ऊपर विजयी नहीं हो सकते। खेल के अंदर भी हम यही चाहते हैं कि हम विजयी बने, परंतु विजयी बनने के लिए कई बार स्वयं को हराना भी पड़ता, कई बार स्वयं को जीताना पड़ता। परंतु हार किस प्रकार की हो, हार ऐसी हो जो हमें माला पहनाई जाए, मतलब हार पहनने को मिले, हार इस प्रकार की करें, कैसी हार, कि हम सहयोग दे करके और उनकी बात मानी और अपनी स्वभाव की हमने हार मानी, हमने अपने स्वभाव को मोड़ा, हमने अपने स्वभाव का परिवर्तन किया और हमने इस प्रकार उनके आगे हार मानकर, परंतु हकीकत में सहयोग देकर हमने अपने स्वभाव के ऊपर जीत पाली, ये राज भी हमें समझ लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये खेल के अंदर हमारी भी जीत होती है और फिर सामने पक्ष में उनको सहयोग देकर भी हम जीत को प्राप्त करते हैं। यह समझदारी हमें यह ईश्वरीय ज्ञान देता है, जिसको बाबा के शब्दों में कहें तो इसको कहते हैं युक्ति युक्त चलना। और यदि किसी के चलने में, किसकी चलन में, किसके कर्म में या किसके कार्य में, अगर उस कार्य में मुझे नुकसान हो ऐसी कोई बात नहीं, या मेरे जीवन की जो भी छवि है, प्रतिभा है, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं आने वाला है, तो फिर मुझे उनको सहयोग देने में कोई हर्जा होना भी नहीं चाहिए, कोई ऐतराज नहीं उठना चाहिए। यदि मैं फुर्सत में हूँ, यदि मेरे पास समय है, यदि मैं उनको सहयोग दे सकता हूँ,
यदि मैं वो समय उनको दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, यदि मैं उस समय में उनको वह कार्य करना है तो उनको वह कार्य करने की आज्ञा या छुट्टी हम दे सकते हैं, तो फिर हम क्यों न दें। जो कार्य करने में मुझे कोई असुविधा न हो, जो कार्य किसी को करने देने में मुझे कोई तकलीफ ना हो, जो कार्य कोई करे तो उस कार्य से मुझे कोई विघ्न या बाधा नहीं आती, जो कोई कार्य वो करे उसमें मुझे कोई दुख अशांति या कोई भी अप्राप्ति नहीं होती, या वो कोई कार्य करे तो उसमें मेरे स्वभाव के संस्कार के बिगड़ने की कोई बात नहीं आती, या फिर मुझे कहाँ भी अपना समय नष्ट नहीं करना पड़ता, या फिर कहाँ भी मुझे अपना धन इतना यूज नहीं करना पड़ता, या फिर मुझे अपनी शक्तियों को भी लगाना नहीं पड़ता। यदि उसमें मेरा तन मन धन वेस्ट नहीं होता, और यदि कोई कार्य करता है और मेरे से अगर वो मांगता है तो ईश्वरीय सहयोग मांगता है, यदि वो मांगता है तो हमारे से थोड़ी मदद मांगता है, यदि वो मांगता है तो हम अपने स्वभाव से अपने संस्कार से उसको अटकाए नहीं, उसको हम रोके नहीं, उसको उस कार्य को करने में प्रोत्साहित करें, ऐसा वह हमारे से उत्साह उमंग की आस रखता है। और अगर वो व्यक्ति हमारे से यह एक आशा करता है तो वह आशा करना उसका बुरा नहीं, और उसकी उस आशा को पूर्ण करना चाहिए। परंतु यदि हम पूर्ण नहीं कर सकते तो उसकी आशा में हम विघ्न भी ना बने। यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कहते हैं कि दुख भी हम न दें, अर्थात उसको सुख देने के रास्ते में हम बाधा रूप भी न बने। किसी को हम शांति नहीं दे सकते तो हम उसे अशांति भी न दें। कैसे अशांति देते, कैसे दुख देते, कि वह जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें हम अपनी नापसंदगी बताएंगे, उसे हम कहेंगे कि हमें आपके इस कर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये कर्म आप कर रहे हो वो योग्य नहीं, ये कर्म आप कर रहे हो ये ठीक नहीं, ये नहीं करना चाहिए, इस कर्म के करने से ऐसा होगा वैसा होगा, और हम अपने स्वभाव संस्कारों को पालना देते हुए और उनकी बात को गलत सिद्ध करने के लिए हम ऐसी ऐसी व्यर्थ की बातें हम पैदा करके और उनको प्रभावित करने की कोशिश करते कि हम उनको करने न दें, वो कर्म न करे, तो ये एक बाधा है, ये उसको अटकाना है, ये इसको रोकना है। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि मेरा स्वभाव मेरा संस्कार वह जो कर्म कर रहा है मैं उसके अनुकूल नहीं हो पा रही हूँ या नहीं हो रहा हूँ, तो मेरे स्वार्थ के लिए, समझो मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, तो वो कर्म उसका व्यर्थ है। परंतु वो किसी को सुख दे रहे हैं, किसी को शांति दे रहे हैं, तो भले दे, भले मुझे नहीं मिल रहा है परंतु उससे मुझे कोई दुख तो नहीं मिल रहा है, कोई अशांति तो नहीं मिल रही है, फिर मुझे उनको क्यों रोकना चाहिए, मुझे उन्हें क्यों टोकना चाहिए, मुझे उनकी कर्म में कार्य में क्यों बाधा डालनी चाहिए। अगर ये बातें हम समझ लें तो हम कभी भी किसी के जीवन के मार्ग में जो भी कार्य वो करने जा रहे हैं, यानी श्रेष्ठ कार्य सकारात्मक कार्य, हम उसमें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे। हम कहेंगे अच्छे कार्य में तो नेचुरली कोई भी विघ्न नहीं बनेगा, परंतु अच्छे कार्य की परिभाषा हरेक की अपनी अपनी है।
जिसमें हम समझते हैं कि मेरे लिए यह कार्य अच्छा है, क्योंकि मुझे उससे सुख मिलता है, शांति मिलती है, और किसी को भी मैं उसमें दुख नहीं दे रही हूँ, किसको भी अशांति नहीं कर रही हूँ, किसी की मेहनत नहीं ले रही हूँ, किससे कोई धन नहीं ले रही हूँ, किससे कोई तन नहीं घिसा रही हूँ, तो फिर वह मेरे लिए अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कर्म है। परंतु विरोधी पक्ष की आत्मा समझती है कि मुझे उससे सुख नहीं मिलता, मुझे शांति नहीं मिलती, मेरी इससे प्रगति नहीं, तो मैं क्यों इसमें साथ दूं, और इसीलिए वह विघ्न डाले। तो ये विघ्न स्वार्थ हित हो गया। तो ऐसे स्वार्थी बनने वाले अक्सर हरेक के कार्य में विघ्न रूप बनते हैं, विशेष करके श्रेष्ठ कार्य करने वालों के, सुकर्म करने वालों के, और परिवार के सदस्यों के जो भी साधारण कर्म है, उन कर्मों में भी जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, परंतु अपने स्वभाव और संस्कारों के कारण विघ्न रूप बनते हैं। और ऐसे विघ्नों को आप स्वयं भी सोच सकते हैं। अतः इन विघ्न रूप स्वभाव संस्कारों को मिटाने के लिए अपने ज्ञान रूपी दिल के दर्पण में देखें, और ऐसे विघ्न जहां जहां हम डालते हैं उन विघ्नों को हम नोट करें, और विघ्नों को नोट करने के पश्चात हम स्वयं को चेंज करने का, चेकिंग करके चेंज करने का यत्न करें, और अपना परिवर्तन करके, और उन कार्य करने वालों को, उन श्रेष्ठ कर्म करने वालों को, उन सुकर्म करने वालों को, भले हम तन मन धन समय का सहयोग का साथ न दें, परंतु हम उनको उत्साह तो भर ही सकते हैं, उमंग तो भर ही सकते हैं। चलो हम उमंग भी न भरें, हम उत्साह भी न भरें, लेकिन हम उनको रोकें तो नहीं, हम उनको टोकें तो नहीं, हम उनको अटकाएं तो नहीं, हम उनको सम्मति दें। यदि सम्मति भी नहीं देनी है तो हम नाराज भी न हो। इस प्रकार का हमें अपना स्वभाव बनाना चाहिए, संस्कार बनाना चाहिए, आदत बनानी चाहिए, तभी हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं और विघ्नों को टाल सकते हैं। विघ्नों में हम अन्य आत्माओं को मदद रूप भी बन सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप अपने ऐसे छोटे बड़े स्वभाव संस्कारों को नोट करेंगे, चेक करेंगे, और चेंज करके स्वयं का परिवर्तन करके, और बाप दादा जैसे कहते हैं ऐसे विघ्न विनाशक स्वयं के लिए भी बनेंगे, और अन्य साथियों के लिए भी विघ्न विनाशक बनेंगे। ओम शांति।